दोस्तों एक कमाल की स्टोरी सुनाता हूँ। दरअसल 13th-11th century की बात है। इंग्लैंड में एक लेडी थी जिनका नाम था लेडी गोडिवा। उनका जो हस्बैंड था वो एक राजा था और वो एक क्वीन थी। उसका नाम था लियोफ्रिक अर्ल ऑफ मर्सिया। अब ये जो लियोफ्रिक था ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर था। ये अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहा था। इतना जुल्म कि उसने बहुत हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया था अपनी पब्लिक पर, जिसके चलते वहाँ पर पब्लिक भी परेशान थी और उसकी वाइफ भी परेशान थी, यानी कि लेडी गोडिवा। तो लेडी गोडिवा ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करी कि इतना लोगों पर जुल्म मत ढाओ, लेकिन वो नहीं मानता था। लेकिन जब लेडी गोडिवा ने बहुत बार बोली तो उसने भी एक शर्त लेडी गोडिवा के सामने रख दी कि ठीक है, वो अपने लोगों पे टैक्स नहीं लगाएगा, बशर्ते लेडी गोडिवा को बिना कपड़ों के घोड़े पे बैठ के पूरे टाउन में परेड लगानी पड़ेगी। अब राजा तो ये सोच रहा था कि लेडी गोडिवा के सामने वो इतनी हार्ड सी शर्त रख देगा जिसके चलते वो इसे नहीं कर पाएगी। लेकिन लेडी गोडिवा ने उसके शब्द को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि उसने ये करने का डिसाइड किया और लेडी गोडिवा ने लिटरली बिना कपड़ों के घोड़े पे बैठ के पूरे टाउन में परेड लगाई थी। उसने अपने बालों को खोल लिया था ताकि उसकी ज़्यादातर बॉडी कवर अप रहे और उसने लोगों को पहले ही बोल दिया था कि अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें टू प्रोटेक्ट हर ऑनर। और अपने लोगों को बचाने के लिए उसने पूरे टाउन में बिना कपड़ों के परेड लगाई थी।